स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लिनिक के साथ पैथोलॉजी लैब को किया सील। शिवपुरी जिले के नरवर में जांच करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने वाले भुजबल कुशवाहा को क्लिनिक को सील कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बालाजी पैथोलॉजी के नाम से संचालित लैब भी सील की है। पूरा मामला कुछ इस तरह सामने आया है। नरवर में रहने वाला सुनील भारती बीमारी के चलते भुजबल कुशवाहा की दुकान पर इलाज कराने गया था, लेकिन डॉक्टर बनकर इलाज करने वाले भुजबल कुशवाहा ने मरीज को इंजेक्शन लगा दिया। थोड़े समय बीतने के बाद पीड़ित मरीज सुनील की हालत और बिगड़ी और नरवर स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के बाद परिजनों ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर जनसुनवाई में भुजबल कुशवाहा के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की। शिकायत के बाद जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय ऋषिश्वर ने डीएसओ डॉक्टर सुनील कुमार खंडोलिया, बीएमओ डॉक्टर लालाजन शाह की और एएसओ इंद्र प्रकाश को जांच के लिए नरवर रवाना किया। टीम ने नरवर सीबीएमओ डॉक्टर एलडी शर्मा के साथ नरवर में संचालित क्लिनिकों की जांच की, जिसमें भुजबल कुशवाहा के पास क्लिनिक संचालित करने के दस्तावेज नहीं मिले। साथ ही बीमार मरीजों की खून की जांच करने वाली बालाजी पैथोलॉजी लैब पर दस्तावेजों की जांच की गई तो वहां भी दस्तावेज नहीं मिले। टीम के द्वारा दोनों दुकानों को मौके पर सील कर कार्रवाई की गई है। नगर में जांच करने वाली टीम की जानकारी मिलते ही अवैध तरीके से बीमारी का इलाज और बीमारी की जांच करने वाले अपनी दुकानों को बंद करके भाग गए। सुनवाई में उसने शिकायत की थी तो सीएमएचओ सर के द्वारा जिला स्तरीय टीम गठित की और उज्ज्वल कुशवाहा बताए गए थे कि वो अपनी क्लिनिक का संचालन करते हैं, तो उन किसी को इंजेक्शन लगाया था, उसको कुछ पैरालिसिस या कुछ हुआ है, तो जिसका मेडिकल परीक्षण भी हो रहा है अभी जिला स्तर पर, और यहाँ हमारी टीम बना के हमें भेजा तो हमने उनकी क्लिनिक पे उनके दस्तावेज देखे तो ना तो डिग्री थी ना उन पे कोई रजिस्ट्रेशन था, तो उनकी क्लिनिक को सील कर दिया है। अच्छा, एक ही दुकान सील की है या और भी? और एक पैथोलॉजी है, बालाजी पैथोलॉजी, उसको भी सील किया, उस पर भी दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन नहीं था। कौन से डॉक्टर ने इलाज किया? मेरी नरवर के कन्याशाला स्कूल के सामने भुजबल कुशवाहा की दुकान है, तो उस पे मैं दवा लेने गया था, मेरे थोड़ा फीवर था, उसकी दवा लेने गया था, तो मैं उन्होंने मेरे कमर में दो इंजेक्शन मिला के मेरी कमर में लगा दिए और दो तीन खुराकें उन्होंने मुझे दे दी। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद मेरे एक एक डेढ़ घंटे के बाद मेरी जांघ का पूरा मांस फट गया था जोर जोर से। हाँ, फिर तो मैं उसके बाद उसके पास पहुंचा तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे देखो जी क्या हो रहा है, तो बोले कुछ नहीं है कुछ नहीं है, चलो सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं वहां पे इलाज करवाते हैं तुम्हारा। इंजेक्शन से गड़बड़ तो गलती तो हो गई मुझसे, तुम कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा और तुम चलो तुम वहां पहुंचे। हम तो वो डॉक्टर साहब बोले कि आवेदन बनवाओ, मुझे हाथ जोड़ के वहां खड़े हो गए। तो मैं बोला मैंने चलो साहब कोई दिक्कत नहीं है, जो बोल रहे हैं तो इलाज करवाई तो मैंने इलाज करवा दू, करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे आवेदन नहीं बनवा बनवाया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मेरे लिए दवाई लिख दी दो तीन दिन की, वो दो तीन दिन की दवाई खाके मैं आ गया घर पे लेके दवाई लगते आ गया। इसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद मेरी जो कम्बर में दर्द इतना है, कम्बर में और पैर में, मतलब मैं रात 7 दिन तक तो मैं सोया नहीं, इतना दर्द है। नहीं, इसके बाद फिर आपने इलाज कहाँ पे कराया? इलाज इसके बाद फिर मैं सीप्री मेडिकल पे कराया। फिर क्या हुआ वहाँ? मेडिकल पे बोले मेरे से पहले एमआरआई कराओ, एमआरआई कराने से सब कुछ पता चलेगा। अच्छा, तो फिर आपने और कहीं शिकायत की इसकी? मैंने फिर एमआरआई कराने के बाद मैं अपने कलेक्टर साहब के यहाँ और एएसपी साहब के यहाँ सीपी। अच्छा, दोनों जगह शिकायत की है? शिकायत की, फिर मैंने यहाँ अपने नरवर में भी शिकायत की। अच्छा, आपको अभी तक कोई मदद की गई है डॉक्टर के द्वारा या प्रशासन के द्वारा? मेरे लिए कोई मदद नहीं मिली और मैं मजदूर आदमी हूँ साहब, मेरे पीछे 4 बाल बच्चे हैं और मैं अभी बाजार से ला रहा हूँ अपने लिए राशन पानी, तो उधार ही हो रहा है मेरे पास, और मैं काम धंधे से बिल्कुल बैठा हूँ, मेरे पैर के वहां कुछ हो ही नहीं रहा मेरे से।